नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। खागा नगर पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अखिलेश पांडेय ने रायबरेली लालगंज से जयशंकर त्रिवेदी की आल्हा गाने वाली टीम को बुलाया, जो आल्हा के माध्यम से अमिता पांडेय नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव प्रचार कर वोट डालकर विजयी बनाने का काम कर रहे हैं। और आप लोगों को बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अखिलेश पांडेय जी की माताजी बारजे से हौंद का पंजा दिखाकर समर्थन मांगा और इसी को आशीर्वाद समझकर नगर पंचायत भ्रमण करने निकल पड़े। और आप लोगों को बता दें कि अखिलेश पांडेय जमीनी नेता हैं। इन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि फसल को कब पानी देना है और कब खाद देनी है। पैदाइशी रहीश तो है, लेकिन किसानों और मजदूरों के बीच में रहकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और जब भी क्षेत्र में जनसंपर्क में निकलते हैं तो गरीबों और बेसहारा लोगों के पास खड़े होकर जरूर उनकी पीड़ा को समझकर अधिकारियों से बात कर उन्हें न्याय दिलाने का काम आज 35 साल से करते चले आ रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि हर गांव हर गली में भोला भैया के जयकारे लगाते हैं लोग। और इनके साथ कोई भी किराए का व्यक्ति नहीं है, साथ में जितने भी चलने वाले हैं वह सब मतदाता हैं। यही सबसे बड़ा जीत दिलाने का कारण है। आए सुने क्या कहा अखिलेश पांडेय ने और जयशंकर त्रिवेदी आल्हा के माध्यम से। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। शहर के बराबर बनाने का संकल्प सबसे पहले मैं गांव से शुरू करूंगा। बोला भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे जो भी लोग जानते हैं, मैंने लगातार 30-35 साल से लोगों की सेवा की है। किसी का भी कोई काम रहा हो खागा में रह करके निरंतर 24 घंटा मैंने प्रयास किया है कि लोगों की समस्याओं के निदान हो। आज मुझको मजबूती जब आप देंगे तो मैं जनता का पैसा जो एक एक पाई है उसका हिसाब रखूंगा। कोई बेईमानी होने नहीं पाएगी और जिन बेईमानों ने बेईमानी की है उसका भी हिसाब ले लूंगा। इतनी क्षमता रखता हूँ। पार्टी ने ये कहा है कि गरीबों के लिए खासतौर पर वो परीक्षार्थी जो कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लाइब्रेरी हर मोहल्ले में हो, इसके अलावा आवास की व्यवस्था जो शासन से आती है उसमें पात्र व्यक्ति जी वो आवास पाए पूरे क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र बहुत लग गया आपकी बात, विशेष तौर पर उनका ख्याल रखना है। खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको नगर के समकक्ष बनाने की का एक संकल्प है, वो करना है हमको। इसके अलावा मैं क्योंकि कार रैली में जा रहा हूँ, आप क्षमा चाहता हूँ, जागरण है जी जी। जागरण में हम ये रैली किया, ये हम लोगों को जगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो गलती पिछली बार हुई है उसको सुधारिए और एक ईमानदारी की बयार बहाइए, जिससे लोगों का जो पैसा आम जनता का है उसके पास जाए, उसके विकास के लिए खर्च हो। नाली में बस एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा कि वर्तमान सरकार के और यहाँ 10 साल से जो चेयरमैन है वो बड़े बड़े नेताओं को बुला रहे हैं, उनका ऐसे में कैसे सामना कर पाए? देखिए, मेरी पत्नी खड़ी हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कानपुर में एक करीब 100 परिवारों की एक सोसाइटी है, उसमें अपना ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा प्रशासन चलाया है कि पूरा स्वच्छता से लेकर के सुरक्षा से लेकर के तमाम इनके चार्ज में है। और इन्होंने इनकी क्षमता को देख करके ही मैंने यहाँ खागा नगर पंचायत में, ये गृहिणी जरूर हैं लेकिन मैंने जो भी काम किया उसमें इन्होंने सहयोग मेरा किया है आज तक, और मैं जानता था कि सक्षम है हर कार्य को करने के लिए, इसीलिए मैं इनको खड़ा किया मैंने। जी, शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? मेरी पत्नी ने एनडी कॉलेज काफ़ी रिप्यूटेड है कानपुर विश्वविद्यालय का, वहाँ से परस्नातक किया है और इनको हर चीज़ मालूम है। ये बोलने से ज़्यादा करने में यकीन रखती हैं, इन्होंने अपनी क्षमता दिखाई है। मैंने तो ये कहा है कि टाउन एरिया तुम्हारे हवाले है, मुझे इस तुमको पतली कटपुतली नहीं बनाना है, अपने हिसाब से काम करो, पूरे जोश और खरोश से लोगों के विकास के लिए काम करो। जन संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश यही है कि बदलाव लाइए जी, बदलाव लाइए, इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार इतना हो चुका है विगत 10 वर्षों में कि जो विकास का पैसा आदर्श नगर पंचायत है लेकिन आधा पैसा लोग खा जा रहे हैं, यहाँ से लेकर लखनऊ तक लोगों के मकान है, उसको बचाइए और अपने पाई पाई का हिसाब अपने पास रखिए।